उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है उनमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट के चुनाव के लिए एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया जारी है, इसी बीच बसपा ने एक बड़ा फेरबदल किया है और उसने अपने घोषित प्रत्याशी शिवबरन पासी को हटा दिया है और उसकी जगह में नए प्रत्याशी का नाम सामने आया है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवबरन पासी की जगह अब जितेंद्र कुमार सिंह बसपा के घोषित उम्मीदवार होंगे। सूत्रों का ये भी कहना है कि शिवबरन पासी को पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि तय दिनों के अंदर वो इस बात की जानकारी दें कि उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे तो नहीं हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद शिवबरन पासी ने इसका कोई जवाब पार्टी को नहीं दिया, जिसके बाद पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और अब जितेंद्र कुमार सिंह बसपा के यहाँ से प्रत्याशी होंगे। आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार सिंह पार्टी का नया चेहरा है और आज तक वो पार्टी के किसी भी पद पर नहीं रहे हैं। इसके अलावा हनुमानगंज के देवकरी गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार सिंह का ये पहला चुनाव होगा जिसमें वो हाथी चुनाव चिन्ह से अपना तकदीर आजमाएंगे। शिवबरन पासी को बसपा ने 8 अगस्त को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद शिवबरन पासी लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रचार भी कर रहे थे। इस दौरान 2 बड़े सम्मेलनों में भी उन्होंने शिरकत की थी जिसमें पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी आए थे, लेकिन अचानक पार्टी का प्रत्याशी बदल दिया गया और शिवबरन पासी की जगह अब जितेंद्र कुमार सिंह को यहां पर बसपा ने मौका दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शिवबरन पासी को अपने आपराधिक मुकदमों की जानकारी देने के लिए पार्टी प्रमुख के सामने कहा गया था, लेकिन तय समय सीमा पर कोई जवाब न मिलने के बाद इसी को आधार मानकर शिवबरन पासी की जगह एक नया प्रत्याशी घोषित किया गया है। जितेंद्र कुमार सिंह अब फूलपुर से बसपा के नए प्रत्याशी होंगे और 1 या 2 दिन में उनका नामांकन हो जाएगा। आपको बता दें कि बसपा ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि इस बार वो चुनाव में आम कार्यकर्ता को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी। शिवबरन पासी भी उसी आम कार्यकर्ता की श्रेणी में आते थे, लेकिन अपना प्रत्याशी बदलकर अब बसपा ने जिस जितेंद्र कुमार सिंह पर अपना दांव लगाया है वो एक बिजनेसमैन हैं। जितेंद्र कुमार सिंह का पेट्रोल पंप है और एक इंटर कॉलेज भी उनके नाम पर चल रहा है। इस तरीके से बसपा की नई रणनीति अब क्या होगी ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रत्याशी बदलने के बाद पार्टी के अंदर हलचल जरूर है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।